वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स डार्क डिजायर। इस कहानी में जैसे जैसे लियो का पास्ट ओपन होता जा रहा है, सारा शक उसी की तरफ जा रहा है। पर क्या इन सब का गुनहगार वही है या फिर कोई और? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आज जब दारियो जोए के घर पहुंचा, वो भी छिप छिप के, तब जोए ने उसे तलवार से काटने की कोशिश की। जैसे तैसे दारियो ने अपने आप को बचाया। उसने कहा, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को फंसाने के लिए मेरी माँ को ब्लैकमेल किया था। जोए ने कहा, ये तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो? कहानी थोड़ी पीछे जाती है जब दारियो अपनी माँ के पास है। उसकी माँ लुसिंडा ने अपने पागलपन में दारियो से कहा, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हें सारे सबूत दे दिए, तुमने कभी मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। इसके बाद प्रेजेंट में दारियो ने जोए से कहा, मैं बस यही पता करने आया हूँ कि आखिर मेरे परिवार से तुम्हारे परिवार के तार कैसे जुड़े हैं, पर तुमने मुझे देख लिया। इतने में इस्तेबान गन लिए एल्मा के साथ यहाँ पहुँचा। इन दोनों को यह लगा कि दारियो जोए को मार रहा है। इस्तेबान तो उसे जान से ही मार देने वाला था, पर जोए ने उसे बचाने की कोशिश की। दारियो भागने लगा, इस्तेबान ने उस पर गोली चला दी। दारियो भागते हुए बच गया। एल्मा ने इस्तेबान को रोका और कहा, इस मसले का हल खून खराबे से नहीं होगा, हमें दारियो को समझना होगा, वो हमसे ज़्यादा इस मसले के बारे में जानता है। 10 साल पहले जो हुआ, लेस्ली के पापा के साथ जो हुआ था, ब्रेंडा के बारे में, उसे सब चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा पता है। हम तो बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं, पर वो सब कुछ जानता है। इस्तेबान ने पूछा, उसे क्या पता है? एल्मा कुछ कहते कि इसके पहले हॉस्पिटल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा, लियो को होश आ गया है, पर कल से पहले उसे कोई नहीं मिल सकता। गार्सिया भी अब इस केस पर बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। वो एक एक क्लिप को बड़े गौर से देखे जा रही है। उसने इसमें पाया है कि कुछ फुटेज गायब है। अगले दिन एल्मा और जोए लियो से मिलने पहुंचे हैं। वो अब ठीक है, सबसे बात कर सकता है। लियो अकेले में एल्मा से बात करना चाहता है। जोए जाने लगी और जाते हुए कहा, चाहे जो हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। अकेले में लियो अपने और ब्रेंडा के बारे में बताना चाह रहा था, पर एल्मा ने उसे कहा, मुझे पता चल चुका है लियो, तुम दोनों प्रेमी थे, ये मैं जानती हूँ। लियो ने इस्तेबान का नाम लिया, उसी ने सब कुछ बताया होगा। एडिथ जोए से लियो का हालचाल लेने आई है। जोए ने बता दिया, पर तभी इस्तेबान यहाँ आ गया। उसने जोए से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। एडिथ के जाने के बाद उसने जोए से कहा, हम एडिथ पर भरोसा नहीं कर सकते। जोए को ये सब सुनकर अचंभा हुआ है, क्या एडिथ इन सब में शामिल है? गार्सिया ने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे ब्रेंडा के घर की रिकॉर्डिंग शनिवार रात 11:30 बजे से लेकर रविवार सुबह 6:40 तक चाहिए। जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो पूरी नहीं है। एल्मा ने लियो से कहा, हमें पता चल चुका है कि तुम ब्रेंडा के घर उसकी मौत की रात गए थे। अब तुम सच बताओ कि क्या हुआ था, मैं तुम्हारे नज़रिए से सच्चाई जानना चाहती हूँ। लियो ने बताना शुरू किया, मैं कुर्नेवाका से लौटा, उस दोपहर ब्रेंडा ने मुझे मैसेज किया था, वो मुझसे बात करना चाहती थी, वो बहुत घबराई सी लग रही थी। उसने धमकी दी कि अगर मैं नहीं गया तो हमारे बारे में सबको बता देगी, तुम सो गई थी इसलिए मैं जा पाया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्रेंडा ने उस रात लियो को ड्रिंक ऑफर की थी। ब्रेंडा ने उसे कहा था, तुम्हारी बीवी तुम पर शक कर रही है, तुम्हारा घर बिखरने वाला है, तुम्हें मालूम है एल्मा ने ये वीकेंड किसके साथ बिताया? लियो ने उसके बात को काट दिया और कहा, इन सब में एल्मा को मत घसीटो। ब्रेंडा ने उसे डांटते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि एडिथ से तुम्हारे संबंध हैं, एल्मा ने मुझे बताया। तुम एल्मा को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं एल्मा के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, किसी और के साथ नहीं। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, उस दिन से जिस दिन से तुमने एल्मा को चुना। प्रेजेंट में एल्मा ने लियो को डांटा और कहा, जो हुआ उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, तुम ये मत कहो कि उसने तुम्हें फंसाया, तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। वो तुम्हें प्यार करने लगी थी जबकि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। पर मैं जानना चाहती हूँ कि आगे क्या हुआ। लियो ने बताया कि इसके बाद एक दूसरे के करीब आ गए। एल्मा ने पूछा, क्या तुमने उसे मारा था? लियो ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं, हो सकता है कि मैंने उसे मारा हो। बाहर निकलकर एल्मा बड़ी भावुक हुई। उसने ब्रेंडा पर बड़ा भरोसा किया था, उसके बारे में उसने ये सब नहीं सोचा था। वो तो अपनी सारी बातें उसे शेयर करती थी, पर ब्रेंडा ने काफ़ी कुछ उसे छिपा के रखा, उसके पीठ पीछे उसी के परिवार को उजाड़ती रही। जब वो जोए के पास गई तब उसने उसे संभालते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात समझो, मेरा दारियो के साथ जो हुआ वो सब एक गलती थी, मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो तुम तक पहुँच जाएगा। जोए ने इस बात को समझा, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। इतने में गार्सिया यहाँ पहुँची है एल्मा से पूछताछ करने। अकेले में गार्सिया ने एल्मा से कहा, जिस भाड़े के कातिल ने वेलेजो को मारा उसे मैसेज और ईमेल पर इंस्ट्रक्शन मिले थे, अब तक तो सब कुछ आपके पति की तरफ इशारा करते हैं, पर वास्तविक सच्चाई जानने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। एल्मा ने कहा,
मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगी। क्यों ना तुम इस्तेबान से बात करो, गार्सिया ने कहा। मुझे तो इस्तेबान पर भी भरोसा नहीं है। इस्तेबान पहुंचा है लियो के पास। लियो ने भावुक होते हुए कहा, मुझे सच जानना है, क्या मैंने ब्रेंडा को मारा है? क्या तुम ये मानते हो कि मैं ब्रेंडा को मार सकता हूँ? इस्तेबान ने कहा, तुम्हें एस्केवेडा वाला मामला याद है, उस आदमी का मामला जिसने अपनी बीवी की हत्या को खुदकुशी जैसा दिखाया? लियो ने कहा, हाँ मुझे याद है। इस्तेबान ने कहा, मुझे लगता है तुमने ब्रेंडा के घर भी कुछ ऐसा ही किया है। तुमने उस केस से काफ़ी कुछ सीख कर ब्रेंडा की हत्या की और उसे खुदकुशी दिखाने में उस केस से इंस्पिरेशन ली। तुम्हें मालूम था कि नसें कैसे काटी जाए कि आत्महत्या लगे, किस एंगल से ब्लेड पकड़ना है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। ये जानकर लियो और भी भावुक हुआ। उसे अपने से घृणा हो रही है कि उसने ब्रेंडा को मार दिया। दारियो लुसिंडा को फोटोज दिखाते हुए उससे पूछ रहा है, इनमें से किस आदमी से आपको पैसे लेने हैं? इनमें एक तस्वीर लियो की है जबकि दूसरे इस्तेबान की है। लुसिंडा ने लियो को नहीं बल्कि इस्तेबान को चुना है। उसने ये भी कहा, उससे कहना मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। हॉस्पिटल में पुलिस आई है लियो को गिरफ्तार करने। लियो ने अल्मा से कहा, इन्हें मैंने ही बुलाया है, ये मुझे ब्रेंडा के कत्ल में गिरफ्तार करेंगे। अल्मा ने पुलिस को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बेकसूर हो लियो, तुम किसी साजिश का शिकार हो रहे हो। इस्तेबान ने उसे संभाला। ये सब कुछ दारियो एक कोने में छिपा देख रहा था। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो जाता है। और अब अगला हिस्सा। लुसिंडा ने रोते हुए इस्तेबान और लियो की फोटो जला दी है। जेल में जो शख्स वेलेजो को कत्ल के इल्जाम में फंसा है उससे मिलने घर से पहुंची। उसने पूछा, तुम इस्तेबान के बारे में क्या जानते हो? ब्रेंडन, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम डरो मत, मुझे सच बताओ। ब्रेंडन ने कहा, मैं उसे नहीं जानता, मैंने सिर्फ उसे फ़ोन पर बात की है, पर वो इस्तेबान ही था, मैं ये जानता हूँ, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली है। एल्मा अपने सेक्रेटरी से बता रही है, लियो को जब तक वो हॉस्पिटल में है जमानत पर रखा गया है, इसके बाद उसे जेल में ले जाया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लियो ने ये सब किया होता तो उसने लाश को बाहर निकालने के आदेश क्यों दिए होते। पुलिस ने घर की सारी चीज़ें छान मारी हैं, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, कंप्यूटर, सेलफोन, टैबलेट, मेमोरी कार्ड। लियो के ऑफिस में भी यही सब हुआ है। मेरा पति एक सम्मानित जज से एक अपराधी बन गया है। मुझे अब ये स्वीकार करना होगा कि मेरा पति धोखेबाज होने के अलावा अपराधी भी है। मेरा बस चले तो मैं ब्रेंडा और लियो को जान से अपने हाथों से मार दूँ। जोए और करीना भी सच ढूंढने में लगे हैं। जोए सोडियम के जहर का असर इंटरनेट पर ढूंढ रही है करीना के घर। उन्हें नेट पर मिला है, बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ने पर दिल का दौरा पड़ सकता है। जोए ने करीना से कहा, इसका मतलब किसी ने मेरे पिता को कोमा में डाल दिया। इस्तेबान बेहोश लियो से कह रहा है, हमारे बीच खून का रिश्ता है, पर उसके साथ कई राज का भी रिश्ता है, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। इसके बाद उसने लियो की दवाई में कुछ इंजेक्ट किया। दारियो को अब सपने आने लगे हैं जिसमें इस्तेबान उसे बुरी तरह मार रहा है। यूनिवर्सिटी में दारियो अल्मा से मिला। वो तो उससे बात नहीं करना चाहती, पर दारियो ने कहा, मुझे याद आया कि जब इस्तेबान मुझे पट्टी बांध कर ले गया था तब वो जगह कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, लाश की बदबू। गार्सिया पहुंची एडिथ के पास। उसने कहा, पूरे देश में मैं ही एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो ये मानती है कि लियो निर्दोष है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? एडिथ ने फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं दिया। गार्सिया इस्तेबान के ऑफिस तब पहुंची जब वो वहाँ नहीं था। उसके असिस्टेंट को पुलिस कार्ड दिखाकर यहाँ छानबीन की। हॉस्पिटल में लियो से पूछताछ चल रही है। जोए इसका विरोध डॉक्टर से कर रही है। डॉक्टर ने कहा, पुलिस के पास वारंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। जोए ने कहा, मुझे लगता है कि कोई मेरे पिता को जहर दे रहा है। दारियो उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में पहुंचा है जहां उसे कुछ मिलने की आशंका है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, दारियो ने लुसिंडा से पूछा था, आप क्या बता दोगी अगर इस्तेबान आपको पैसे नहीं देगा तो? लुसिंडा ने कहा, तुम्हारे दादा करोड़पति थे, उनके पास पूरे देश में कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी, तुम्हारे पिता एंटोनियो और चाचा अल्बर्टो उनके वारिस थे। तुम्हारे दादा ने अल्बर्टो को वसीयत से बेदखल कर दिया और अकेले एंटोनियो को अपना वारिस बनाया। अल्बर्टो विरासत पाना चाहता था, उसने इस्तेबान से मिलकर गुट बनाया। इस्तेबान तुम्हारे दादा को लेस्ली के अपराध के बारे में मनाने में कामयाब हुआ। तुम अपने दादा एंटोनियो की फैक्ट्री को देखो, तुम्हारे पिता की आत्महत्या ने सब बदल दिया, उनकी योजना असफल हुई और उन्हें विरासत नहीं मिली। कई सालों बाद अल्बर्टो मर गया और अब तुम अकेले उसके वारिस थे। सिर्फ एंटोनियो और मुझे पता था कि वहाँ क्या छुपा हुआ था, मैं तुम्हें उसका पता बता सकती हूँ। फिलहाल दारियो उसी फैक्ट्री में पहुँचा है। जोए ने एल्मा और गार्सिया से कहा, मैंने सोडियम के बारे में पता किया है, अगर आप थोड़ा थोड़ा बॉडी में इंजेक्ट करो तो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते और पेशेंट को दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर को लगा कि किडनी फेल हो गई है, इसलिए उन्हें डायलिसिस पर रखने की बात उठी थी। गार्सिया ने पूछा, लियो के पास जाने का अधिकार किसे किसे है? जब इस्तेबान का नाम उठा तब सबके चेहरे बदल गए। इस्तेबान अपने ऑफिस से कुछ पैसे, कुछ फाइलें लेकर अपने बैग में लिए कहीं जा रहे हैं।
दारियो उस फैक्ट्री में पहुंचा है जहां उसकी माँ ने बताया था। यहां उसे अपना बचपन याद आया जब वो आया करता था। ये खबर कि लियो के ब्रेंडा से रिश्ते थे, उसने ही ब्रेंडा को मारा है, पूरे देश में फैल गई है। मीडिया बार बार एडिथ को परेशान कर रही है। मीडिया में यह खबर फैल गई है कि लियो ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। जोए ने अपने पिता से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपने ब्रेंडा को मारा था, आप किसी साजिश के शिकार हो रहे हो। लियो ने कहा, तुम्हें मेरा अतीत नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें याद करके मुझे शर्म आती है। जोए ने कहा, मुझे दारियो ने बताया कि आपने उसकी माँ को रिश्वत देने की कोशिश की थी। लियो ने कहा, लुसिंडा की शादी एंटोनियो से हुई थी, वो 10 साल पहले जेल में था, उसने वहाँ आत्महत्या कर ली थी। मुझे वो आत्महत्या याद है, 24 दिसंबर, तुम्हारे जन्मदिन वाला दिन था। शायद वो निर्दोष भी हो सकता है। दारियो को फैक्ट्री में एक फाइल मिली है, हैरिस एंड लॉसन लिमिटेड न्यूयॉर्क। एल्मा गार्सियो को अपना बयान दे रही है। उसने कहा, दारियो ने उसे बताया था कि इस्तेवान उसे किसी फैक्ट्री में ले गया था, उसमें लाश की बदबू आ रही थी। एडिथ ने कहा, हो सकता है इस्तेवान ने ब्रेंडा के शरीर को उस फैक्ट्री में काटा हो। गार्सिया ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस्तेवान दारियो को जान से मारने के बजाय उसे सिर्फ डराएगा क्यों, और उसे सिर्फ दर्द क्यों देगा। एल्मा ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो दारियो के साथ है, अगर वो दारियो को मार देता तो शायद उसे मेरी गवाही का डर था। जोए ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लियो ने कहा, अब सब खत्म हो गया, इस्तेवान कह रहा था कि मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। इस्तेवान कुछ गैलन लिए उसी फैक्ट्री में पहुंचा है जहां दारियो छुपा है। यहां उसने चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। एल्मा ने एडिथ से पूछा, अगर लियो उस घर में था तब उसके निशान वहां क्यों नहीं मिले। गार्सिया ने कहा, क्योंकि इस्तेवान ने अधिकतर सबूत वहां से निकलने ही नहीं दिया, वो तो केस को बंद करने पर जोर देता रहा या फिर इस केस की दिशा बदलता रहा। लियो की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है, उसे सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा है। दारियो ने एल्मा को फ़ोन किया और कहा, एल्मा पुलिस को मेरे दादा की फैक्ट्री भेजो, इस्तेवान यहीं है, वो इस फैक्ट्री में आग लगा के इसे जलाने जा रहा है। इतने में दारियो ने उसे कन्फ्रंट किया, उसने उसे काफ़ी मारा और कहा, तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल किया, तुमने ब्रेंडा के साथ रिश्ता बनाया, इसलिए उसने मेरे पिता के खिलाफ गवाही दी थी। इस्तेवान ने लाइटर जलाते हुए कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं आग से सब कुछ उड़ा दूंगा। अब तक एल्मा और गार्सिया के साथ पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। इतने में दारियो ने एल्मा को वीडियो कॉल किया, इसमें वो कह रहे हैं, मुझे माफ़ करना, मैं अब तुमसे फिर नहीं मिल सकूंगा, मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सब सच था। इसके बाद कॉल कट गई। फैक्ट्री में बड़ी ज़ोर की आग लगी, एल्मा अंदर जाकर दारियो को बचाना चाहती थी, पर गार्सिया और उसके साथी ने उसे रोक लिया। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इस कहानी में अभी और भी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्तेवान ही इन सब घटनाओं का सूत्रधार है, पर और भी बहुत सी चीज़ें छिपी सी लग रही हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। कल इसके फिनाले वीडियो में हम इस कहानी को समाप्त कर देंगे। अब तक की कहानी और इसका सस्पेंस आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।